सर, उस दिन आखिर क्या हुआ था और किस तरह का कार्य कौशल दिखाया और जवान जो वीर गति को प्राप्त हुआ? आज बड़ी दुखद घटना का है, दिन है, उगा है परिवार के लिए और हम सभी होमगार्ड्स के लिए और अपने राज्य सरकार के जो भी है नागरिक है राज्य के। लेकिन ये एक हमारे ग्रैब कंपनी का बॉर्डर होमगार्ड का जवान है था, जो कि खनिज ड्यूटी में भरतपुर के माध्यम से हिंडौन लगे हुए थे। रात को खनिज विभाग के फोरमैन और रात्रि गश्ती दल ने वहाँ जो अवैध या अधिक भार से लोडेड ट्रक का पीछा किया, उसको रुकवाया और उसी दौरान जो घटना हुई उनको रोकने के बाद पुलिस भी आई और फिर इन तीन जवानों को उस ट्रक में बिठाकर उसको पुलिस थाना चौकी ले जाने के लिए रवाना हुए। उस दौरान ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही करके ट्रक को पलट दिया रॉन्ग साइड में, जिससे जो ब्लॉक भरे हुए थे सैंडी स्टोन के वो गिरने के कारण और नीचे दबने के कारण इनकी शहादत हुई है। दो जवान जो इनके साथ और थे उन्हें एक को हिंगलाजदान जिन्हें SMS एडमिट किया, जिनकी तबीयत ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है, उन्हें बेड रेस्ट के लिए वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। इनके साथ तीसरे जवान थे उन्हें भी वहाँ से हॉस्पिटल करौली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। नेमा राम जी के पिताजी भी हमारे बॉर्डर होमगार्ड के पूर्व जवान रह चुके हैं, सागरा राम जी, और इस क्षेत्र के जो भी युवा है और पुराने बुज़ुर्ग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने सेवाएं दी है इस विभाग को और इसके मार्फत राज्य सरकार को और देश की सेवा करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहे हैं। हाँ, विभागीय सहायता के लिए जो नियमानुसार है हम उस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, जो दी जा रही है एक्सग्रेसिया है 20 लाख का है, फिर कल्याण कोष का है जो हमारे सदस्यों और हमारे स्टाफ की तरफ से प्रति साल पैसा इकट्ठा किया जाता है उसमें से दिया जाएगा, सामूहिक दुर्घटना का बीमा का पैसा है वो दिया जाएगा और इसके साथ में भी हमारे स्वयंसेवक और स्टाफ और अन्य जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग अपनी स्वेच्छा से जितना पैसा इकट्ठा करके देते हैं वो भी इनके परिवार को दिया जाता है। जल्द से जल्द शहीद का दर्जा मिले इसको लेकर? हाँ, शहीद के दर्जे के लिए जो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करवा के करवाया जाएगा, जो भी सिस्टम है राज्य सरकार के नियमानुसार। जो है तो कैसे परिवार के आर्थिक हालात है आपने यहाँ देखा हुआ? आर्थिक हालात तो पश्चिमी राजस्थान है और इस एरिया में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनका जो जज्बा है देश के प्रति और राज्य के प्रति और विभाग के प्रति वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। और आपने यहाँ कुछ क्या देखा और क्या महसूस करते हैं? ये एक सीमा क्षेत्र है और सभी लोग कठिन परिस्थितियों में ही जीवन यापन करते हैं। नेमाराम चार भाइयों के मध्य का इस प्रकार का एक भाई जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बलिदान हो गए, एकदम कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने वाला परिवार है। 8 जुलाई को ही भाई बहन का विवाह था, परंतु खुशी भरा वातावरण गमगीन वातावरण में तब्दील हो गया। पूरा ज़िला वर्तमान में गमगीन है। दुख के साथ बड़े एक स्वाभिमान का विषय है कि इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बलिदान दे करके अपने धर्म का निर्वहन भी किया है। जो वहाँ के खनन माफिया बेखौफ है और बहुचर्चित भी है, सर्व ज्ञात भी है कि ऐसी पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, बलिदान हुए हैं कुछ हमारे सिपाही। इसी कड़ी में नेमारा में युवा होनहार था, संपूर्ण गिरा भी नहीं बल्कि पूरे ज़िले में दुख के साथ यह स्वाभिमान के साथ मस्तक ऊंचा कर रहे हैं कि नेमाराम ने अपने जीवन को सार्थक करते हुए बलिदान देकर के अपनी ड्यूटी का ठीक से निर्वहन करते हुए और खनन माफियों से जूझते हुए वो बलिदान हो गए। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि सामान्य से परिवार को गुजर बसर करने वाले परिवार को सर्वाधिक जितना संभव हो उतना मुआवजा दिया जाए और ये जो बेखौफ अपराधी है इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और जितना हो सके उनको संबल दिया जाए। पूरे जिले की भावना इस परिवार के साथ है, उस दिवंगत आत्मा को हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कुछ आपको ध्यान में आया? मेरे को जब इनकी शहादत हुई थी उस समय ही मेरे को सूचना मिल गई थी, फिर इनके परिजन जो मेरे से मेरे घर आकर के मिल करके आपस में चर्चा करके उसके बाद में यहाँ से परसों सुबह ही रवाना कर दिया था। और जो ये घटना घटी है ये देश में हमारे जो
शहीद हुए हैं, इन्होंने ईमानदारी से काम किया है। जो खनन माफिया है, जो अपराधी है, जो मैं ये कहूँगा कि ये लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे जवान जो देश की सेवा करने वाले लोगों की जान को लेने कर उतर होते हैं, तो ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा मिले। और इनके साथ में दो जो जवान थे उनके तुरंत में स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। और राज्य सरकार और शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को बिल्कुल, इस व्यक्ति को जो जिन्होंने शहादत दी है नेमाराम ने, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और जो जो शहीद परिवार और शहीद के लिए जिस गांव का नामकरण हो या उनके नाम से और भी चिर स्थाई रखने के लिए जो होना चाहिए वो कार्यक्रम करना चाहिए। और यहाँ के जो हमारे सरपंच भी काफ़ी एक्टिव युवा है और उन्होंने भी काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ करके कल मेरे से चर्चा की, तो ऐसी स्थिति में हम ये मांग करते हैं कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और बाकी नियमानुसार जो भी है, नौकरी है वगैरह जो सारी हैं वो सब मिलना चाहिए। और आज हमें दुख के साथ गर्व भी हैं कि हमारे एक इस क्षेत्र के सदस्य ने, विशेष करके गिराव गांव में जन्मे एक व्यक्ति ने, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हुए और जो जिस प्रकार की शहादत दी है उस पर हमें गर्व है। और जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक नेमाराम का नाम रहेगा और हमें ऐसे ईमानदार जो करते हुए सिपाही है उन पर गर्व है। सर बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को उनकी शादी भी थी। हाँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि अगली जो 8 जुलाई है उसको इनकी शादी होनी थी। इनके परिवार में जश्न का माहौल था लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर थी, इसलिए अब उसके कुदरत के आगे तो किसका बस नहीं चलता है। लेकिन उसकी जो दुल्हा बन करके दुल्हन को लाने की जगह उनकी पार्थिव देह इनके घर पे आई, ये बहुत दुखद घटना है। मैं इस परिवार को इस प्रकार की दुख सहने की प्रकृति से यही आशा करूंगा कि ये दुख सहन करने की इनमें शक्ति प्रदान हो और जो हमारे जिस वीर गति को जवान हुआ है उनको भी आगे प्रकृति उनको सन्मार्ग पर ले जाए। किस तरह की आपको सूचना मिली थी? और फोर्स के अंदर जो लोग शहीद होते हैं उन शहीदों के अंतिम संस्कार के दौरान और उनको जिन ताबूतों में लाया जाता है, आर्मी है, मिलिट्री है, बीएसएफ है, नेवी है, उन सबको एक बहुत ही वेल अप टू डेट ताबूत में लाया जाता है। और होम गार्ड के इस शहीद के लिए जो एक बनाया छोटा सा एक ताबूत और कमज़ोर सा लेके आए, ये एक शहीद का अपमान है। इस विभाग को भी सोचना चाहिए और उनको भी सोचना चाहिए। देश की केंद्र सरकार अग्निपथ योजना में बैटल फील्ड के अंदर जो भी अगर कोई शहीद हो जाता है कैजुअल्टी में तो उसको 1 करोड़ देती है। इस जवान को 3 दिन पहले शहीद हुआ और अभी तक राज्य सरकार ने इसके लिए घोषणा तक नहीं की। इनको कर देनी चाहिए 1 करोड़ की घोषणा, शहीद का दर्जा दे देना चाहिए था। मेरा सीधा सीधा राज्य सरकार पर आरोप है कि आप अग्निपथ योजना को तो बंद करने की घोषणा करते हो लेकिन उसके अंदर तो कैजुअल्टी में 1 करोड़ और शहीद का दर्जा और जितने भी फोर्सेस है उसके अंदर शहीद का दर्जा, लेकिन ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर राज्य सरकार की खनिज संपदा को बचाते हुए अपने वीर गति को प्राप्त हुआ है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उसको पैकेज 1 करोड़ का नहीं दिया गया। जो शहीद को पैकेज दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया है। इसके जिस प्रकार शहीदों के लिए नामकरण होता है गांव में, चौराहे में, सर्कल का, स्कूलों का, हॉस्पिटल का नाम होता है, इसके नाम होना चाहिए। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि खड़े हैं। ये जिस प्रकार का होमगार्ड के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, होमगार्ड के लोगों ने राज्य की संपत्ति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस घर का लाल गया। और मैं ये देख रहा हूँ इस पूरे शिव की आस पूरे बाड़मेर जिले के आसपास के मुखिया लोग और जिला प्रशासन वगैरह सब खड़ा है इस शहीद के सम्मान में, लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जो भेदभाव किया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। कड़े शब्दों में राज्य सरकार से मांग करता हूँ
कि हर हालत के अंदर इनको शहीद का दर्जा दे करके इनके परिवार को 1 करोड़ का पैकेज दिया जाना चाहिए और इसके बच्चों के लालन पालन मेडिकल फैसिलिटी सारी अवेलेबल करानी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी। ये होमलेस परिवार है, इसके मकान वकान सब बनाने चाहिए, सरकार को चाहिए। नेमाराम ने जिस प्रकार से अपने कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए और अपना बलिदान दिया है, उसके लिए ये पूरा 70 बॉर्डर होमगार्ड और सभी इसके लिए इसका सम्मान करते हैं, गर्व की बात है। साथ ही जिस प्रकार से देखा है कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट है, 4 भाई और इनके माता पिता और बहनें हैं, तो जिस प्रकार से अभी बात की है बॉर्डर होमगार्ड के डिप्टी एसपी साहब ने, तो नियमानुसार एस्क्रेसिया की राशि है जो 20 लाख रुपए की, उसका तुरंत प्रोसीजर करा के और भुगतान के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। साथ ही इनके कल्याण कोष के माध्यम से जो इनकी सहायता बन सकती है जितने भी, वो भी दी जाएगी। और साथ में जो रिकमेंडेशन है सरकार की ओर से, हम भी अपने यहाँ से पूरा एक नोट बना के सरकार को प्रेषित करेंगे कि इनको आर्थिक सहायता के रूप में अधिक से अधिक सहायता राशि दी जा सके, ताकि इस क्षेत्र में जो होमगार्ड के रूप में जो जवान कार्य करते हैं उनका मनोबल ऊंचा रह सके, साथ में देश सेवा के लिए जो ये कार्य करते हैं तो इनके परिवारों को भी संबल मिल सके। जवान है, खनि विभाग में तैनात था, वहाँ अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया है, कृपया इनको पूर्ण दर्जा दिया जाए नियमानुसार। सभी विभाग व राज्य सरकार को निवेदन है मेरा कि इनके 4 भाई हैं, तो 4 में एक छोटा ये था, इसको ये शांत हो गया है, शहीद हो गया है, और माता पिता वृद्ध है, दादी माँ वृद्ध है, तो उनको सहायता प्रदान करने का कष्ट करें। घर थे तो क्या बताते, देश की सेवा कैसे करनी है, मतलब किस तरह क्या कुछ बताते का? इनको ये सदस्य है बॉर्डर होमगार्ड के, परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, तो इनको 2-2 महीने के वास्ते ड्यूटी पर बुलाते हैं और 2 महीने में ड्यूटी ऑफ हो जाती है। नेमाराम जी के किस तरह स्वभाव के थे, आप गांव के ग्रामीण हैं, तो कैसा उनका व्यवहार था और कैसे आपसे मिलते थे, तो किस तरह से? नेमाराम जी सरल स्वभाव के बहुत ही सादगी भरे व्यक्ति थे। ग्राम में इनका सभी से मेल जोल एक भाई की तरह रहा। ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, 2 बहनें और 4 भाई। 8 जुलाई को इनकी शादी थी, ये छुट्टी पर आने वाली थे और शहादत हो गई। इनके बड़े भाई बीए बीएड है, 2 भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तीनों ही बेरोजगार हैं। सागर राम जी भी बॉर्डर होमगार्ड में वॉलंटियर थे, वो अब रिटायरमेंट है, उनको अब ड्यूटी पर जाते थे कुछ मिलता था, अब उनको भी कुछ नहीं मिलता है, बहुत ही गरीब स्थिति है। और इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, पूरे गांव में गम का माहौल है, 2 दिन से गांव पूरा इनके शोक में डूबा हुआ है।